ईमान वालों, तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले वाले लोगों पर फर्ज किए गए थे, ताकि तुम परहेजगार बन सको। ये गिनती के कुछ दिन है बस। अगर तुम में से कोई बीमार हो या सफर में हो, वो दूसरे दिनों में गिनती पूरी कर सकता है। ध्यान रहे, रोजा वाजिब इबादत में से है जिसे बजा लाना लाजिम है, और जो रोजा रखने की ताकत ना रखते हों, वो फिदिया के तौर पर एक मिसकीन को खाना खिलाएं। फिर जो कोई अपनी खुशी से ज्यादा नेकी करे बेहतर है, और अगर समझो तो रोजा रखना ही तुम्हारे हक में बेहतर है। ऐ ईमान वालों, तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले वाले लोगों पर फर्ज किए गए थे, ताकि तुम परहेजगार और मुत्तकी बन सको। बस अगर तुम में से कोई बीमार हो या सफर में हो, तो वो दूसरे दिनों में गिनती पूरी कर सकता है, यानी कजा रोजे रख सकता है। लेकिन ध्यान रहे, रोजा वाजिब इबादात में से है जिसे बजा लाना लाजिम है, और जो रोजा रखने की ताकत ना रखते हो, वो फिदिया के तौर पर किसी मिसकीन को खाना खिलाएं। और जो कोई अपने खुशी से ज्यादा नेकी करे, वो उसके लिए बेहतर है, और अगर मानो और समझो तो रोजा रखना ही तुम्हारे हक में बेहतर है। सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को, और नए नोटिफिकेशन पाने के लिए दबा दीजिएगा बेल आइकॉन, ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। शुक्रिया।